हिंद दोस्तों स्वागत है आपके इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो में और बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीके से बस समझ जाते हैं कि वैदिक शिक्षा बौद्धिक शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा का क्या उद्देश्य था ये चीन तीनों शिक्षाएं क्या होती थी इन शिक्षा में क्या विशेषताएं होती थी दोस्तों मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ कि बहुत ही शॉर्टकट में बता रहे हैं कुछ चीज़ों को छोड़ के बस इसलिए कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएँ एक बार आप चीज़ों को समझ जाए ताकि इस आधार पर अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना के लिख सके बनाने का मकसद ये है कि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए ठीक है तो चलिए देखते हैं कि वैदिक शिक्षा बौद्धिक शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं क्या थी और इनके सिद्धांत क्या थे कैसे ये शिक्षाएं चलती थी तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं देखिए वैदिक शिक्षा भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है भारत में अतीत से ही वैदिक शिक्षा का प्रचलन था ठीक है Uh, वैदिक शिक्षा में वेदों के ज्ञान को सर्वरी परि माना जाता है मतलब वेद के जो ज्ञान है जो भी वेद के द्वारा कहा गया है वेद के सिद्धांत है वेद की शिक्षाएं हैं उनकी प्रमुख विशेषता दी गई है किसमें वैदिक शिक्षा में ओके okay. अब वैदिक शिक्षा एक्चुअल में वैदिक शिक्षा होती कहाँ थी ये गुरुकुल में हुआ करती थी आश्रम में हुआ करती थी शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में रह शिक्षा प्राप्त करते थे कहने का मतलब है आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा या फिर अगर आपने वेद पढ़ा होगा तो वहां पे आपको यहां से आइडिया होगा कि गुरुकुल पे पढ़ते थे, गुरु जी के साथ रह के पढ़ते थे, और वहीं जाके वो शिक्षा अध्ययन करते थे ठीक है तो इसमें वेद के बारे में वेद के ज्ञान को सर्वोपरि सर्वोपरि माना गया है वेद की शिक्षा को मुख्य माना गया है बौद्धिक शिक्षा क्या है दोस्तों बौद्धिक अब आइए दोस्तों बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के बारे में तो बौद्ध शिक्षा के बारे में समझ सबसे पहले महावीर गौतम बुद्ध को बौद्ध शिक्षा का जनक माना जाता है बौद्ध धर्म का विकास कहाँ हुआ मठों और बिहारों में हुआ ओके और यह मठ न केवल बौद्ध धर्म बल्कि वो शिक्षा व ज्ञान के भी प्रमुख केंद्र थे इनके जो मठ हुआ करते थे वो बौद्ध धर्म के भी केंद्र थे और शिक्षा के भी केंद्र थे ओके तो इन मठों मठों और बिहारों की पद्धति बौद्ध शिक्षा की पद्धति मानी जाती है यहाँ पे थोड़ा सा मठ और बिहार में ऐ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यानी कि मठु और बिहार की पद्धति ही बौद्ध शिक्षा की पद्धति मानी जाती है अब देखिए बौद्ध धर्म ने भारत के शिक्षा में शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में अहम योगदान दिए यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा सा ठीक है तो बौद्ध धर्म ने भारत की शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में अहम योगदान दिए और यह बौद्ध शिक्षा की ही देन थी बौद्ध मठों और बिहारों में बिहारों में बिना इसी भेदभाव के सभी जाति धर्मों की शिक्षा परदान की जाती थी कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म के महावीर बौद्ध जी को शिक्षा का जनक माना जाता है बौद्ध शिक्षा मठ और विहारों में चला करती थी और बौद्ध में सभी धर्म के लोगों को सभी जाति के लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के बात का बाद की शिक्षा है वैदिक शिक्षा के बाद से बौद्ध शिक्षा का बौद्धिक शिक्षा का जन्म हुआ कुछ कमी बेसी जो आ गई थी वैदिक शिक्षा में इसमें कुछ त्रुटि आ गई थी उसी को दूर करने के लिए बौद्ध शिक्षा ने बौद्ध शिक्षा का जन्म हुआ बौद्ध शिक्षा ने अपनी अलग एक शिक्षा निकाली ठीक है अब ये हो गया वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा मुस्लिम शिक्षा के बारे में देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा का संबंध इस्लाम धर्म के दर्शन से है ऑब्वियस सी बात है भारत में इस्लाम की शिक्षा का प्रभाव मुस्लिम शासकों के साथ बढ़ता गया ओके okay. uh, उस काल में धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था और सभी के लिए इसे महत्वपूर्ण माना था माना गया था धर्म को सर्वोपरि स्थान देते हुए मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक साम्राज्य के विस्तार को ही महत्व दिया गया मुस्लिम शिक्षा मुख्य रूप से मकतब तथा मदरसों में होती थी समझ में आ गई बात मुस्लिम शिक्षा का संबंध इस्लाम के धर्म प्रचार से है इस्लाम के धर्म के दर्शन से ठीक है ठीके? मुस्लिम शासकों की वजह से मुस्लिम शिक्षा का प्रभाव बढ़ता गया ओके इसमें धर्म की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं मुस्लिम शिक्षा के बारे में तो ये एक छोटा सा परिचय है ओके इसके अलावा भी विस्तृत रूप से आपको लिखना है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है लेकिन एक शॉर्ट परिचय में बता रहा हूँ कि वैदिक काल भारत की सबसे प्राचीन काल है ठीक है ये भारत के अतीत से है इसमें वेदों के शिक्षा को सर्वरी परामायम माना गया सर्वोपरि और वैदिक शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल और आश्रमों में हुआ करती थी गुरु के साथ रह के पढ़ते थे बुद्ध शिक्षा में महावीर बुद्ध जी बौद्धिक शिक्षा के जनक थे ठीक है बिहार और मठों में हुआ करता था इसमें बौद्ध शिक्षा के ज्ञान को परम स्थान दिया गया ठीक है इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को शिक्षा प्रदान करने की अनुमति थी मुस्लिम धर्म का क्या था भाई मुस्लिम शिक्षा इस्लाम के दर्शन पर आधारित था ठीक है भारत में इस्लामी शासकों की वजह से इसका प्रभाव बढ़ता गया ओके और इसमें धर्म के ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया और सबके लिए कंपलसरी किया गया और मुस्लिम शिक्षा मुख्य रूप से कहाँ होती थी मक्तबर मुदरसम अगर आपने बेसिक थोड़ी सी अगर इसकी समझ गई आपने इसका थोड़ा सा परिचय समझ गया तो अब बहुत आसानी हो जाएगी इनकी विशेषता जानने में अब देखिए विशेषता जानने में सबकी विशेषताओं में जो कॉमन चीजें हैं वो आपके सामने यही मेरी वीडियो की विशेषता होती है कि मैं बिल्कुल आपको इसको डिफिकल्ट नहीं बनाता आसान बना देता हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है तो कहाँ से रट पाएगा कोई समझ आ गया अब देखिए सारे बौद्धिक शिक्षा वैदिक शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा इन सभी शिक्षा प्रणालियों की कुछ विशेषताएं समान थीं जैसे क्या थी धार्मिक शिक्षा को परम स्थान देना वैदिक शिक्षा ने सनातन धर्म के शिक्षा को परम स्थान दिया मुस्लिम शिक्षा ने इस्लामिक शिक्षा को परम स्थान दिया बौद्धिक शिक्षा ने बौद्ध धर्म को परम स्थान दिया तो इसकी विशेषता में आप आसानी से सेपरेट वाइज अगर पूछता है तो आप सेपरेट वाइज लिख सकते हैं अगर इसमें समानता पूछता है तो आप समानता भी ऐसे ही लिख सकते हैं समझ में आ रही है? बात बात बिल्कुल समझ में आ रही है बहुत बहुत शुक्रिया तो देखिए सभी शिक्षाओं ने धार्मिक शिक्षा को परम स्थान दिया और सभी शिक्षाओं ने अपने धार्मिक प्रचार प्रसार करने की शिक्षा नीति अपनाई मुस्लिम धर्म में मुस्लिम शिक्षा में मुस्लिम जो भी परंपराएं थी उसको प्रचार प्रसार करना वैदिक शिक्षा में की विशेषता थी वैदिक शिक्षा में अपने सनातन धर्म की और बौद्धिक शिक्षा अपने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की विशेषता रखता था अपने शिक्षा में ठीक है और सब ने दे देखिए ये जो वर्ड है ना ये वर्ड में एक बात बता रहा हूँ नैतिकता एवं उचित आचरण का निर्माण वह शिक्षा शिक्षा हो ही नहीं सकती जो नैतिकता और उचित आचरण का निर्माण ना करे तो हर एक शिक्षा चाहे वो वैदिक शिक्षा हो बौद्धिक शिक्षा हो चाहे मुस्लिम शिक्षा हो और चाहे कोई भी दार्शनिक गांधी जी हो स्वामी विवेकानंद हो रविंद्रनाथ टैगोर हो या कोई भी शिक्षा की परिभाषा हो याद रखिए शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा की विशेषताएँ सर्वोपरि है कि वो शिक्षा नैतिकता एवं उचित आचरण का निर्माण करेगी कैसे वैदिक शिक्षा में माता पिता के पैरों के पैर छूना उनके आशीर्वाद लेना बौद्धिक शिक्षा में यही इस्लामिक शिक्षा में मम्मी पापा से सलाम करना ठीक है उनकी खिदमत करना यह नैतिकता का और नैतिकता और उचित आचरण का निर्माण हर एक शिक्षा प्रणाली ये करती है और यही शिक्षा का वास्तव में बेसिक उद्देश्य है तो ठीक है नैतिकता एवं उचित आचरण का निर्माण हर एक शिक्षा प्रणाली की विशेषता रही है आज्ञाकारी शिष्य वैदिक कालीन शिक्षा के भी शिष्य बहुत आज्ञाकारी होते थे बौद्धिक कालीन के भी और मुस्लिम कालीन के भी ठीक है तो ये लोग बड़े आज्ञाकारी शिष्य होते थे गुरु के ऊपर अपना जान निछावर करते थे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शिक्षा के साथ साथ कौशल हर एक शिक्षा ने शिक्षा के साथ साथ कौशल पर भी जोर दिया जैसे कि तीरंदाजी तलवारबाजी मुस्लिम धर्म में भी मुस्लिम शिक्षा में भी यही चीज़ें रही बौद्धिक शिक्षा में भी थोड़ा सा अलग जैसे कि दवाओं पे इन्होंने ज़्यादा रिसर्च किया ठीक है अपनी मतलब दवा बनाने में और भी बहुत सारी कौशल्स पे सब ने कौशल के मतलब स्किल्स के डेवलपमेंट की बात सब ने करी तो शिक्षा के साथ साथ कौशल भी सबने डेवलप किया ओके अब बात करते हैं निःशुल्क शिक्षा आश्रमों में भी शिक्षाएँ निःशुल्क होती थी मठों में भी शिक्षाएँ निःशुल्क होती थी और मदरसों में भी मुस्लिम शिक्षा के समय शिक्षा निशुल्क होती थी पैसा कभी व्यापार बनाया नहीं हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को लेकिन आज के ज़माने में बन गया है, वो दूसरी चीज़ है नेक्स्ट देखते हैं गुरु के साथ रह के शिक्षा सभी जगह वैदिक कालीन में भी गुरु के साथ मठों में जाके बच्चे पढ़ते थे वै सॉरी बौद्ध में मठों में रह के पढ़ते थे बच्चे गुरु के साथ और वैदिक में आश्रमों में गुरुकुलों में और मुस्लिम शिक्षा के मदरसों में नेक्स्ट है दोस्तों उत्कृष्ट एवं उच्च शिक्षा इसका क्या मतलब है देखिए दो प्रकार की शिक्षाओं की बात हर एक शिक्षा प्रणाली ने करी कौन कौन सी पहली प्राथमिक शिक्षा दूसरी उच्च शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षा तो प्राथमिक शिक्षा मतलब बेसिक जानकारी जैसे कि उस धर्म में उस शिक्षा में कैसे रहते हैं उत्कृष्ट शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा स्तर शिक्षा का बड़ा तो हर एक धर्म ने उच्च शिक्षा शिक्षा स्तर और की बात करी हर एक शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा की व्यवस्था रखी समझ आ रही उच्च शिक्षा का मतलब एक प्राथमिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा समझ में आ गई बात ठीक है लोक भाषाओं को प्रोत्साहन हर एक वैदिक हर एक शिक्षा प्रणाली ने अपनी लोक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जैसे मुस्लिम में अरबी और फारसी उर्दू का भी और वैदिक में अपनी संस्कृत भाषा का और बौद्धिक में पाली भाषा का तो हर एक शिक्षा प्राणी ने लोक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया और सामान्य शिक्षा व्यवस्था सामान्य शिक्षा का व्यवस्था का मतलब महिलाओं के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था रखी और पुरुषों के लिए भी की व्य। 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 मतलब शिक्षा की व्यवस्था रखी व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था मतलब सिस्टमैटिक शिक्षा व्यवस्था रखी और व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था रखी जिससे जीविकापार्जन का भी साधन हो मतलब बच्चे उसको पढ़ के उस शिक्षा के बाद अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को भी वो इस्तेमाल कर सके मतलब एक जीवन जीने के साधन बन सके तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो हर एक चीज़ के लिए कॉमन रही ठीक है ये बहुत, बहुत या आप यकीन रखिए बहुत रिसर्च के बाद ये चीज़ें आपके सामने और एक मैं खास रिक्वेस्ट उन तभी सभी बच्चों से करूँगा जिनका एडमिशन इस बार हुआ है मेरे भाई मेरी बहन अगर आपका एडमिशन इसी बार हुआ ना तो आप विस्तृत तीनों के बारे में अलग अलग पढ़िए ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है एक आइडिया हो जाए ताकि लिखने के लिए हमें मटेरियल मिल जाए समझ में आ गई बात और जिस बच्चों ने इनको अलग अलग पढ़ा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ बताइए कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें सत्य हैं कि नहीं है ठीक है आप बताइए मुझे कमेंट में अगर आपने इसको सेपरेट पढ़ा हो तो क्या यही चीज़ें आपने इनमें पढ़ी है और अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ें समानताएँ कुछ असमानताएँ है भी हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे अब जैसे कि अब देखिए आपने समानता यहाँ से देख ली अगर आपको इसकी विशेषता पूछता है आप आसानी से लिख लेंगे बताइए लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे ओके मुस्लिम शिक्षा पूछता है कि मुस्लिम शिक्षा की विशेषता लिख लेंगे बौद्धिक शिक्षा की विशेषता पूछता है लिख लेंगे अगर इन दोनों में समानता पूछेगा तब तो भी आप लिख लेंगे बताइए लिख लेंगे कि नहीं क्योंकि सबने धर्म का प्रचार किया सबने नैतिकता आचरण सबने उच्च शिक्षा रखी सबने कौशल की बात करी सबने निःशुल्क शिक्षा की बात करी सब गुरु के साथ रह के पढ़ते थे तो आप बताइए कि अगर इन दोनों में समानता पूछता है तो लिख लेंगे इसी से अगर इन दोनों में समानता पूछता है तब भी लिख लेंगे अगर इन तीनों में समानता पूछता है तभी लिख लेंगे इन तीनों की विशेषताएं लिख लेंगे अब आइए थोड़ी चीजें वो देखते हैं उनकी वो विशेषताएं जो एक दूसरे से अलग थी जैसे वैदिक भाषा वैदिक शिक्षा संस्कृत भाषा में दी गई सॉरी हाँ वैदिक भाषा बौद्धिक शिक्षा पाली भाषा और कुछ क्षेत्रीय भाषा में दी गई जबकि मुस्लिम शिक्षा उर्दू और अरबी भी लिख लीजिए उर्दू अरबिक और फारसी भाषा में दी गई ओके अब देखिए वैदिक शिक्षा की प्रवेश की आयु अठ आठ से ग्यारह वर्ष माना गया बौद्धिक शिक्षा में छः से आठ वर्ष और मुस्लिम शिक्षा में चार साल चार महीना चार वर्ष चार महीना माना गया ठीक है अब वैदिक शिक्षा गुरुकुल आश्रम में होती थी ये मठ विहार में होता था मक्तब और मदरसे में होते थे मुस्लिम शिक्षा और वैदिक और बौद्धिक शिक्षा में भिक्षा मांग के आ, बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे जो भी दान पुण्य मिलता था उससे पढ़ते थे जबकि मुस्लिम शिक्षा में भिक्षा मांगने को हराम माना गया तो भिक्षा नहीं मांग सकते तो ये कुछ चीज़ें असमानताएं हो गई अब अगर असमानता पूछता है वो भी आप लिख सकते थे एक और चीज़ लिख सकते थे क्या कि इन्होंने आ, वेद के बारे में ज़्यादा वेद को माना इन्होंने कुरान को सर्वरी पर सर्वरिपरी माना एक और चीज़ आप इसमें फ़र्क लिख सकते हैं ये बात कि मुस्लिम शिक्षा में जो थी ना वो महिलाओं की शिक्षा अपेक्षाकृत थोड़ी सी अलग थी मुस्लिम शिक्षा में महिलाओं को बच्चों बालक और बालिकाओं को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता बालिकाओं के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था थी उनके लिए पर्दे का अहतमाम था ठीक है तो इनकी शिक्षा थोड़ी सी अलग थी तो उन चीज़ों की भी आप इसमें विशेषता में लिख सकते हैं और अगर अंतर में पूछे तो अंतर में सकते सकते हैं। और खास तौर पे अगर वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में पूछे तो ये चीजों को लिखिएगा कि बौद्धिक शिक्षा में हर एक जाति धर्म को शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता थी जबकि वैदिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा में क्या था ना कुछ चीजें अलग थी जैसे कि जो क्षत्रिय लोग थे वो आ, तलवार चलाना धनुष चलाना तो वो उनकी व्यवस्था थी जो ब्राह्मण थे उनको ज्ञान हासिल करना था तो इन चीज़ों का मतलब जातिवादी इसमें थी वैदिक शिक्षा में जबकि बौद्धिक शिक्षा में ये चीज़ें नहीं थी और मुस्लिम शिक्षा में महिलाओं को घर के अंदर पढ़ाना पर्दे में पढ़ाना इस बुरके का इस्तेमाल ये सारी चीज़ें मुस्लिम शिक्षा में रही ओके तो यहाँ से आप अंतर स्पष्ट कर लेंगे ठीक है और यहाँ से आप समानता और विशेषता निकाल लेंगे अब अगर उद्देश्य के बारे में पूछता है या उद्देश्य के बारे में लिखना चाहते हैं तो उद्देश्य आपको यहीं से फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या अच्छे आचरण मार शिष्यों को आगेकारी बनाना निःशुल्क शिक्षा और धर्म का प्रचार धर्म का प्रसार ठीक है व्यवसाय के लिए व्यवस्था तो आप उद्देश्य भी यहीं से निकाल लेंगे उम्मीद है विशेषता भी यहीं से निकाल लेंगे समानता भी यहीं से निकाल लेंगे और असमानता भी यहीं से निकाल लेंगे ठीक है तो इस टॉपिक और इस वीडियो में हमारा और आपका साथ यहीं तक कहने का मतलब बस ये था कि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि इन केस अगर ये परीक्षाओं में सवाल आते हैं तो आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे अगर आपने विस्तृत अध्ययन किया इन तीनों के बारे में आप बहुत अच्छे बच्चे हैं आप उन्हीं को लिखिएगा अगर आपने अभी तक का अध्ययन नहीं किया तो चीज़ों को समझ जाइए अगर एग्जाम में आता है तो इस आधार पे आप लिख लीजिएगा प्लीज़ आप कमेंट में बताना ना भूले कि हम मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और अभी जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो भी बताएं कि क्या कहने मैंने कहीं गलत तो नहीं बता दिया आप प्लीज़ मुझे करेक्ट ज़रूर करिएगा और मैंने जो बताया कि वो सत्य है कि नहीं वो चीज़ें सही लगी कि नहीं आपको और जो मैंने शॉर्टकट में बता दिया वो आपको आइडिया कैसे लगा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट में रिस्पॉन्स करते हैं प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उस बच्चे का भी भला हो जाए प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिए क्योंकि मेरा फीस क्या है दोस्तों मुझे क्या पैसे मिलते हैं कुछ नहीं तो अगर आप शेयर कर देंगे ना तो जो व्यूज़ बढ़ते हैं उससे मुझे खुशी होती है मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ लेकिन हाँ आपके कुछ व्यूज़ देख के मुझे बहुत खुशी होती है तो प्लीज़ एक दोस्त के साथ शेयर करिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जय हिंद आपका खूब ख्याल रखिए पढ़ते रहिए कमेंट में रिप्लाई जरूर करिए जय हिंद